मनुष्य के अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, भगवान ने बहुत सारी शक्तियां, बहुत सारी चीज़ें, कितनी ही विशेषताएं मनुष्य के अंदर विराजमान हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों में वो अन्य प्राणियों की तुलना में रोज़ की दिनचर्या वाली बातों में भी पिछड़ जाता है। कैसी दिनचर्या वाली बातें? जैसे बोलना है, खाना है, चलना है, ये भी कोई दूसरा सिखाता है तब सीख पाता है। अन्य प्राणी अपने आप इस काम को करना शुरू कर देते हैं। बच्चे की पहली गुरु कौन? माता होती है, जो सबसे पहले बच्चे को सब बात सिखाती है। माता के साथ साथ पिता है जो अनुशासन सिखाता है। लेकिन फिर भी इन सब के बाद भी एक किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो मनोविज्ञान की दिशा धारों को जानता हो और आदमी के मन में क्या गहरे में बैठा है, इस वातावरण में क्या कुसंस्कार भरे पड़े हैं, वो कब मानव के मस्तिष्क पे हावी हो जाएंगे और कब वो स्वभाव और संस्कार बदल जाएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं, उनको वो दूर कर सके। इसलिए गुरु की खोज की गई एक ऐसे व्यक्ति की जो घर से बाहर हो और आदमी पर पूरा नियंत्रण कर सकता हो, उसके दोष दुर्गुणों को साफ कर सकता हो। इस वातावरण में, इस सृष्टि में तीन तरह के लोगों से लोगों इस सृष्टि का निर्माण और विकास माना गया। कैसा? पहला, जन्म माँ के हिसाब से। कोई आदमी अगर ये कह दे कि मैं माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया तो ये माना जाएगा ये बिल्कुल झूठा आदमी है, माँ के बिना जन्म कैसा। और कोई अगर ये कह दे मैं बिना पिता का हूँ तो वो भी झूठा माना जाएगा कि बिना पिता के बच्चे वर्ण संकर कहलाते हैं और ये केवल वैश्यालय में ही माने जाते हैं। और अगर कोई ये कह दे मैं बिना गुरु का हूँ तो ऐसे व्यक्तियों को निगुरा कहा जाता है। जिन व्यक्तियों के मानसिक विकास पर किसी का नियंत्रण न हो, ऐसे आदमी को असंस्कृत और असभ्य कह दिया जाता है, या दूसरे शब्दों में निगुरा कहा जाता है। आदमी के विकास के लिए गुरु सबसे महत्वपूर्ण है, उसकी अंतर चेतना को जागृत करने के लिए। गुरु ने अपने बलिदान देकर भी अपने शिष्यों को सही रास्ते पर चलाने के लिए अपनी सारी प्रक्रियाएं दांव पर लगा दी। प्रस्तुत है शांति कुंज वीडियो ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर पर, अभी डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।